नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी ऑनलाइन सामान अगर आप मंगा रहे हैं, किसी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ऑनलाइन कंपनी से, तो पहले उससे ऑनलाइन करने से पहले अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। बाद में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जैसे कि मेरी भी साथ समस्या हुई। मैंने फ्लिपकार्ट कंपनी से डिजिटल घड़ी और ब्लूटूथ मंगा ऑनलाइन की थी, परंतु मेरे उस प्रोडक्ट के दर पे कोई दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ मेरे जो प्रोडक्ट है, मैंने जो ऑनलाइन की थी, उसके जगह पर कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट आ गया, जिसका मैंने ऑनलाइन ही नहीं किए थे। ऑनलाइन चलो ठीक है, मैंने कर ही दिया था, परंतु जो फ्लिपकार्ट ये नई पॉलिसी हुई है, उसमें रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी ही ख़त्म कर दी। आप अगर कोई गलत आपसे कोई चीज़ अगर गलत ही आ गया, तो आप वापस नहीं कर सकते ना रिफंड कर सकते। इसका पॉलिसी बहुत ख़राब हो गई है। हमें लगता है फ्लिपकार्ट अब ज़्यादा धोखाधड़ी करने लगी है। और इस समय क्या है, दीपावली का सीज़न है, इसमें ऑनलाइन ज़्यादा आ रही है होलसेल। इसमें वो जल्दबाजी में कोई प्रोडक्ट मतलब किसी दूसरे दूसरे कस्टमर के पास पहुंचा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ये है। अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा? 250 का मैंने ऑनलाइन किया था, चलो ठीक है, मेरा कोई भी, मैं 5 रुपये का ऑनलाइन करूँ, 10 रुपये का ऑनलाइन करूँ, परंतु उसमें रिफंड का ऑप्शन होना चाहिए ना। हो सकता है मैं रिफंड करके दूसरा प्रोडक्ट किसी तरह पे ले, लेकिन ये क्या चीज़ है, मेरे समझ नहीं है मैं किससे क्या करूँ। जब कस्टमर केयर से बात करता हूँ, तो कस्टमर केयर कहता है, भाई आप पर रिटर्न का पॉलिसी नहीं है। पहले रिटर्न का पॉलिसी थी, और रिटर्न का पॉलिसी ही नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब फ्लिपकार्ट हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो भाई, कोई भी सामान अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं फ्लिपकार्ट से, तो अच्छे तरीके से पढ़ लो, तभी ऑनलाइन करो, नहीं तो मत करो। नहीं, फ्लिपकार्ट आप पहले जैसी नहीं रही है, पॉलिसी चेंज कर दी, रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी दोनों चेंज कर दी। वो ऑनलाइन सामान मंगाने लायक अगर आप इस मंगाना, तो अमेजोन था, फ्लिपकार्ट से बेटर अमेजोन है। मैं तो नहीं समझता था फ्लिपकार्ट से, बट भले ही फ्लिपकार्ट अमेजोन की महंगा सामान प्रोडक्ट रहता है, बट उसमें क्वालिटी रहती है, और फ्लिपकार्ट में कोई क्वालिटी नहीं रहती है। जो पा जाएंगे वो उबड़ खाबड़ सब भेज देंगे। मैंने एक बंदी का सुना था, मोबाइल ऑनलाइन किया था, उसने भेज दिया था पत्थर उठा के। एक बंदे का कपड़ा ऑनलाइन किया था, उसमें पता नहीं क्या साबुन वगैरह से भेज दिया। मतलब फ्लिपकार्ट की पॉलिसी बहुत ख़राब हो गई है। फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाने लायक नहीं है, पहले था, लेकिन अब नहीं ऑनलाइन मंगाने लायक है। इसीलिए भाई, आप लोग से कह रहा हूँ, आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं फ्लिपकार्ट या किसी का, तो अच्छे तरीके से जानकारी ले लो, जानकारी तभी ऑनलाइन करो, नहीं तो इसे धोखाधड़ी में पड़ते रहोगे। अब मैं परेशान हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो देखता हूँ, अब आप फिर से ट्राई करके, हो सकता है अब की बार अगर कोई मतलब चेंज हो जाए, पॉलिसी हो जाए, तब रिटर्न मार देता हूँ। तो भाई, ऑनलाइन मंगाने से पहले कोई सामान डिटेल पता कर लो। धन्यवाद, आप लोग से नई वीडियो फिर से मिलेंगे।